हाय हाय गाइस, गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमीर का दुआ, सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप इंजॉय करते मेरा रहे। नाम आजाद है। मैं नाना जी। तो यार आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। पाकिस्तानियों ने अपनी आर्मी और पाकिस्तान की खोली पोल, अच्छा ये वीडियो का पाकिस्तानियों ने टाइटल है। हाँ, देखते हैं पाकिस्तान वीडियो, बात करते हैं जी, ये तो अब तब भी पता चलेगा कि बिल्कुल उन्होंने के क्या बोला है। वही ना, मतलब अपनी पोले खोल रहे हैं यार ये, तो वॉच करते कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इंडिया से कैसे मुकाबला करने हैं? जब तक हम एक यूनिटी नहीं होंगे ना, तो हम किसी और से नहीं कर सकते। अब हमसे आगे तो बांग्लादेश जा रहा है, जो हम जिस बांग्लादेश कहते हैं, हम पाकिस्तान को नहीं जानते, हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। बिल्कुल सही बात है, वो कहेगा क्योंकि वो मजबूत हो गए। अब उनकी ताकत तो देखें, आप उनकी ताकत तो देखें, आप उनकी आबादी के साथ उनकी ताकत देखें। उनके पास बिजनेस हब है यार, हमारे पास कहाँ है? आपका एक कराची बिजनेस हब था, आपने उसको तबाह कर दिया पिछले 30-35 सालों में। उनके पास बिजनेस, दिल्ली उनके पास है, बॉम्बे उनके पास है, कलकत्ता उनके पास है, उनको आप कहाँ ले, आप सोचे भी ना उनके बारे में। आपको पता है हमारे आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हमने जंगों में सरेंडर किया है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, ये तो 71 में करके आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात तो सही है, 71 में आप करके आए, ये दुनिया को बताए बात। आप देखें, आप एज ए मुस्लिम तो कह सकते हैं हम शेर हैं बहुत बड़े। अगर आप उनसे एज ए बिजनेस के हिसाब से कहें तो हम उनके आगे बकरी भी नहीं है। नहीं, बात सही बोल रहे हैं यार, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है आपकी निस्बत। आप अपने जो क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको उठा के देख लें और अपने देख लें, आप आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी क्या वैल्यू, क्या वजन है आपका। और सर, लोग उनकी आबादी से ज्यादा उनकी सिंसियरिटी, उनके वर्क को फोकस कर रहे हैं कि वो लोग करप्शन नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, करप्शन है उनकी, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि करप्शन नहीं है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप, वो अपने मुल्क के साथ। अब उनमें करप्शन है फिर भी वो पांचवें नंबर पर आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल? आपके जब कोई आपसे पूछा जाएगा आप कौन है, कहाँ से हैं आप, तो आप क्या कहेंगी? मैं लॉरी हूँ, मुझसे पूछा जाएगा, मैं कहूँगा कराची। आप उनसे कहीं भी पूछे वो कहेंगे इंडियन इंडियन। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, नेशनलिज्म है उनमें, बिल्कुल है। और हर मतलब मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो भी होगा, वो सब एक ही जबान होके बोलेंगे। मैंने हिंदुस्तान के तकरीबन 14 शहर देखे हैं, अच्छा, लेकिन मुझे वहाँ कोई उस शहरी का नहीं दिखा, उस इंडियन सारे दिखे मुझे। इवन मेरे अपने बहन भाई भी, जो मेरे कजन्स हैं, वो भी मुझे कहते हैं हम इंडियंस। अच्छा, वो इंडिया में रहते हैं जी? तो आपकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पर है, तो वहाँ के कैसे हालात आपको बताते हैं? बहुत अच्छे हमसे बताते क्या मतलब है, मैं तो देख के आया हूँ, बहुत अच्छे हमसे, बेहतरीन था वहाँ का माहौल, बहुत अच्छा माहौल था। आपकी और मेरी सोच से ज्यादा अच्छे वहाँ मुसलमान थे, कहता हमसे ज्यादा अच्छे वहाँ, मतलब हम लोगों से ज्यादा अच्छी हालत में, बहुत अच्छी हालत। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, 2014 से पहले आपने तो सिर्फ तबाह बर्बाद अपने पैरों पे कुल्हाड़ियां मारी हैं, सिवाय और किसी की। आप एजुकेशन पे जा रहे हैं, आप किसी भी मामले में नहीं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप हो सकता है पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से, और चाइना इंडिया का अपोनेंट मुल्क है, इसी वजह से वो पाकिस्तानी लोगों को नहीं लेता, अवार्ड में चूज नहीं करता। मतलब पाकिस्तान को इसलिए नहीं लेता क्योंकि पाक चीन दोस्ती है, मतलब ये क्या लॉजिक है? ये यही लॉजिक है ना, वो जापान और चीन दुश्मन मुल्क हैं, पर पाकिस्तान और चाइना का दोस्ती आपस में, इसीलिए वो इंडिया वाले लेता है, पाकिस्तान के नहीं लेता। अच्छा, मेरी बात सुने, ना सिर्फ जापान बल्कि हम अगर पूरी दुनिया की बात करें ना, तो पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को प्रेफर करिए। क्या आप वहाँ पर भी कहेंगे कि हमारे साथ धांधली हो रही है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि इंडिया वाला वो चमचा होते हैं ना, वो जाके दूसरे मुल्कों की चमचा ही करते हैं, इसीलिए उनको लेते हैं। हम लोग वहाँ पे चोरियां कर रहे हैं, जाहिर है, पर पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट होता है इनको। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें, झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती, कोई हया होती है, क्यों नहीं लेता कोई? क्या टैलेंट है आप में? मुझ में तो बहुत सारे टैलेंट है, वो दूसरों के अंदर भी होते हैं जो बाहर मुल्कों में होते हैं। कौन सा टैलेंट है जो बाहर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अंदर सारे टैलेंट होते हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात है, आपने बोला है कि वो चमचागिरी करते हैं, आपको पता है कि उन्होंने तो अमेरिका को खड़ी खड़ी सुना दी थी। हाँ, अमेरिका को अपना अपोनेंट कर दिया है। अमेरिका उनकी फॉरेन पॉलिसी में, उनकी कंट्री में दखल अंदाजी करता है ना, तो वो आगे से उनको चुप करवा देते हैं, शट अप कॉल दे देते हैं। हम क्या करते हैं? क्योंकि हमारी कर्जा वगैरह लिया हुआ है उन मुल्कों से ना, हमें इसीलिए कटोरा शायद कर्जा वगैरह नहीं लिया हुआ है।
भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं लिया हुआ। इंडिया की मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि अभी TTP वाला मसला हुआ था हमारे हमारे पाकिस्तान में ना, वो इंडिया की मीडिया कुछ और तरीके से उसको अपने सामने ला रही थी इंटरनेशनल। हमारा तो जो बलोचिस्तान भी है ना, वो भी अब तालिबान के साथ मिल गया है और पाकिस्तान के खिलाफ हो गया, ठीक है। बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से अलग करो, हमें प्रॉपर राइट्स दिए जा रहे हैं, तो इसमें इंडियन मीडिया कहाँ से आ गया? नहीं वो तो तालिबान नहीं है ना, वो खुद बलोच है उधर लोकल के। मैं बेसिकली उधर ग्वादर का हूँ ना, वो सारे उधर लोकल ग्वादर के, तो वो ही उन्होंने तो रैली निकाली थी क्योंकि उन्हें अपने बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ना, फिर इसमें इंडिया कहां से आ गया? इंडिया तो नहीं, अब TTP अलग है। मैं TTP की बात कर रहा था ना, उनकी बात नहीं कर रहा था। TTP वाले ने तो इधर CTD वालों का वो कब्जे में लिया था। अब मुझे एक बात बताएं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी पर भी हमला हुआ, ठीक है। अब अफगानिस्तान खुद खड़ा होकर, तालिबान जो है वो खुद खड़े होकर कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपोजिशन पर है पाकिस्तान के साथ, क्या कहेंगे अब ये हमारे अपने क्लैशेस? इसमें इंडिया कहाँ से बीच में आ गया? इंडिया का हाथ होता है पाकिस्तान के इमेज खराब करने में। इंडिया हमारा नहीं हाथ होता, हमारा नहीं होता, हम तो अपने इमेज सही तरीके से दिखाते हैं ना। इंडिया का जो पहलू दिखाया गया मीडिया पे बताएं, वो अभी दिखाया गया कि TTP का पाकिस्तान पे कब्जा इस तरह उस तरह, ये कड़ा पॉइंट है ना। अच्छा हाँ, तो फिर गड़बड़ तो हमारी तरफ से है ना, अगर हम कहते हैं कि वो लोग हमारा इमेज खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मसला हो जाए वो मसाला लगा कर छिड़क कर फिर वो बात बोलते हैं ना। भाई हरकतें हमारी सीधी है, पहले वाले की बात है ना, वो इंडिया से हो गया है। वो कहता है कि हमसे ज्यादा अच्छे वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, कहते हैं हम लोग अपने आप को अच्छा कहते हमसे कहीं गुना अच्छा रह रहे, कहते हैं मेरे रिश्तेदार है वहाँ पे, कहते हैं मुझसे अच्छे वो रह रहे हैं वहाँ पे। मैंने खुद देखा उधर, कहते हैं मैंने खुद देखा उधर मुसलमान फिटा फिट रह, मजेदार है वहाँ पे, कहते घूम के मैं हूँ, मैंने देखा ना वहाँ पे, इधर से बेहतर है, इधर से बेहतर है जो इसने बात की ना, इधर से बेहतर है। ये बात खत्म हो गई, खत्म हो गई। हमारे बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अगर वैसा जुल्म हो रहा है तो हमें भी भारत पे से जुल्म कराना है यार, हमें भी भारत ले जाओ यार। वो बोलते हैं हमारा जनरल बोलता है कहीं मीन हमने सिलेंडर किया ना 1971 का करके आए, कहते किया क्या है, कहते करके आए 1971 का सिलेंडर करके, वही ना भाई, कहता पूरी दुनिया को पता है भाई हम लोग करके आए, बात सच है पूरी दुनिया को पता है वैसे ये बात। लेकिन भाई बात सारी इधर आती है ना कि भाई देखो जो इंडिया यहाँ जाता है ना उसको पता लग जाता है कि इंडिया में हो क्या रहा है और हमें क्या बताया जा रहा है। अब ये जो दूसरे वाला था ये कहता है इंडिया की साजिश है, राह की साजिश है, उधर का मीडिया छड़क के बताता है, ये हम लोग वो गधों वाली हरकत ही ना करें ना जो वो बताए। बिल्कुल बिल्कुल, जब बाबा हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो क्या बताएंगे, क्या बताएगा वजह। देखो इंडियन से आप पूछे ना, इंडियन से कोई मुल्क पूछता है, कोई बंदा पूछता है जो इंटरव्यू करता है आपके इधर से, वो बोलेगा मैं इंडियन से। और हम लोग, मैं लाहौर कहूँ, मैं पंजाब कहूँ, मैं अटक कहूँ, मैं यहाँ कहूँ, मैं वहाँ कहूँ, मैं इधर कहूँ, मैं कराची, वो प्राउड फील करते हैं इंडिया पे। और पाकिस्तानी फिर पता है आपको, हम लोग अपनों में बटे हुए हैं भाई। ये बात मैं बोलूंगा, इंडियन बहुत नेशनलिस्ट है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे आप बन के रहते हैं और भारतीय होने पे फखर है। वो बोला आगे निकल गया, आगे निकला है, वो तो भी थोड़ी बहुत करप्शन होगी, ये नहीं है कि नहीं है। हमारे पास जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखो वो वहाँ पे गया, कहते मैं अपने मतलब रिश्तेदार हूँ, कहते मैंने कहा तुम लोग कहाँ से हो ना, कहता मैंने पूछो, कहते हम इंडिया के, फखर महसूस करते हैं। और वो कहते ये नहीं कहते कि मैं मतलब के मुंबई से दिल्ली से मैं इधर में, तो कहता मैं इंडिया से हूँ भाई। बाजार असल मसला यह पाकिस्तान ने 2014-15 के बाद अपने पांव में खुद को मारी है ना, बिल्कुल मारी है। ये हालात बन गए कि ना ही पूछो तो अच्छा ना। तो यार आप लोग बताओ आपका कहते हैं इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।